नमस्कार दोस्तों, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड रिलेशन के पजल जो है कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे इसको अटेम्प्ट लिया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आप एक क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन से आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि उनसे रिलेटेड एक पजल पूछा जाए। तो चलिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ हमारे पास वो पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 9 पीपल आर प्रेजेंट इन अ फैमिली गैदरिंग। ओके, सो एक फैमिली में 9 पीपल हैं, ठीक है। मेंबर्स फ्रॉम 3 जनरेशन वेयर प्रेजेंट इन द गैदरिंग। सो एक फैमिली में कितने जनरेशन हैं? 3 जनरेशन के पीपल रह रहे हैं, ठीक है। दे आर 3 मैरिड कपल्स, तो 3 मैरिड कपल्स भी हैं। नो वन इज मैरिड इन द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में जो है वो उनमें से कोई भी जो है शादीशुदा नहीं है, ठीक है। इन द फैमिली देयर आर 2 हाउसवाइफ, 1 लॉयर, 1 बिजनेसमैन, 1 पुलिसमैन, 1 डॉक्टर, 1 इंजीनियर, 1 आर्किटेक्ट एंड 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब जो दिए हुए हैं वो सारे ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं फैमिली मेंबर्स के। फाइन, नाउ साक्षी इज अ बिजनेसमैन, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द हाउसवाइफ विच हैज ओनली 1 चाइल्ड रजत। ओके, सो साक्षी क्या बोल रहा है कि साक्षी एक बिजनेसमैन है, ठीक है। तो और वो जो है एक सिस्टर इन लॉ, मतलब सिस्टर इन लॉ ऑफ द हाउसवाइफ है, जिन और उस हाउसवाइफ की एक ही चिल्ड्रन है, ठीक है, एक ही चाइल्ड है और एक ही बोल सकते हैं या बेटा या बेटी जो भी है, एक ही बेटा या बेटी है और उसका नाम क्या है? रजत है। द इंजीनियर इज द नीस ऑफ अंसुल, ठीक है। तो नीस का मतलब क्या हो गया? भतीजी है, ठीक है। हु इज अ लॉयर। फाइन, द स्टूडेंट हैज ओनली 1 कजन इज द आर्किटेक्ट। वन ऑफ द हाउस वाइफ हैज 2 चिल्ड्रन एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग स्टेटमेंट को पकड़ देते, वन ऑफ द हाउस वाइफ हैज 2 चिल्ड्रन एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। इस स्टेटमेंट को पकड़ के हम लोग फैमिली चार्ट को बहुत ही इजिली ड्रॉ कर लेते हैं एक तरह से, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हाउस वाइफ है, फाइन, ये हाउस वाइफ है और ये तो बोला जा रहा है कि हाउस वाइफ है, ठीक है। ये बोला जा रहा है हाउस वाइफ के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो 2 चिल्ड्रन से मान लेते हैं एक चिल्ड्रन ये होगा और एक चिल्ड्रन ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, ठीक है, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन यहां पे एक हो गया, एक यहां पे हो गया और एक यहां पे हो गया, फाइन। तो 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, तो फैमिली चार्ट कितने हो गए यहां पे? अब बताइए कितने पीपल को हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 पीपल को हम लोग रिप्रेजेंट कर चुका है और 3 पीपल अभी भी बचे हुए हैं। कितने पीपल बचे हुए? 9 पीपल, टोटल 9 पीपल हैं, 3 बचे। और बोला जा रहा है क्या कि 3 मैरिड कपल्स भी हैं दोस्तों, ठीक है, 3 मैरिड कपल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक मैरिड कपल्स यहां पे होगा, ठीक है, एक मैरिड कपल यहां पे होगा और एक मैरिड कपल यहां पे होगा। और क्योंकि थर्ड जनरेशन में कोई भी मैरिड नहीं है तो मैरिड कपल जो भी होंगे वो तो या तो फर्स्ट जनरेशन में होंगे और सेकेंड जनरेशन में होंगे, समझ में, ठीक है। तो चलिए, राहुल इज अ डॉक्टर एंड ग्रैंड फादर ऑफ द आर्किटेक्ट, ठीक है। तो राहुल क्या है? राहुल एक डॉक्टर है और वो क्या है? ग्रैंड फादर है आर्किटेक्ट का, ठीक है। तो अब राहुल जो ग्रैंड फादर है तो वो तो फर्स्ट जनरेशन में होगा, ठीक है। और यहां जो है इसका ऑक्यूपेशन क्या है? हाउस वाइफ है। तो राहुल तो यहां पे होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? राहुल क्या है और राहुल का ऑक्यूपेशन क्या है दोस्तों? डॉक्टर है, ठीक है। तो डॉक्टर, राहुल का जेंडर क्या होगा? मेल होगा और हाउस वाइफ का जेंडर क्या होगा? माइनस होगा। अब ये भी बोला जाए कि राहुल जो है ग्रैंडफादर ऑफ द आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट मतलब अब किस जनरेशन में आर्किटेक्ट आएगा? थर्ड जनरेशन में आर्किटेक्ट आएगा, या तो आर्किटेक्ट यहां पे होगा या तो यहां पे होगा या तो आर्किटेक्ट यहां पे होगा, ठीक है। चलिए, अब पता तो नहीं है हमें कहां पे होगा। रानी इज द मदर ऑफ रजत, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? रानी जो है वो मदर ऑफ रजत है, ठीक है। तो रानी इज द मदर ऑफ रजत। चलिए, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया चार्ट को। नाउ द पुलिसमैन इज द सन इन लॉ ऑफ द डॉक्टर। देखिए, अब पुलिसमैन क्या बोला जा रहा है कि सन इन लॉ ऑफ, सन इन लॉ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डॉक्टर जो है डॉक्टर की एक बेटी होगी, होगी दोस्तों। मान लेते हैं ये बेटी है, ठीक है, तो ये बेटी है तो ये हो गया माइनस साइन और यहां पे प्लस साइन हो गया क्योंकि इसका जेंडर क्या होगा? मेल होगा। अब इसका ऑक्यूपेशन क्या है दोस्तों? पुलिसमैन है। यहां पे जो भी होगा उसका ऑक्यूपेशन क्या है? पुलिसमैन है, वो पुलिसमैन है, ठीक है। चलिए, द बिजनेसमैन हैज 2 डॉटर्स, ठीक है। तो बिजनेसमैन हैज 2 डॉटर्स, चलिए, तो बिजनेसमैन 2 डॉटर्स हो सकते हैं, तो या तो यहां पे होंगे या तो यहां पे होंगे। चलिए, रंजना इज एन इंजीनियर, सानी इज नॉन अर्निंग फैमिली ऑफ द फैमिली, नॉन अर्निंग फैमिली, ओके। रानी एंड सारा आर द हाउस वाइफ, चलिए, हाउस वाइफ एंड द नेम ऑफ 1 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज अंशुमन, फाइन। अब तो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, चलिए देखते हैं अब क्या क्या। पहला इन्फॉर्मेशन देखिएगा यहां से, ये वाला इन्फॉर्मेशन, साक्षी इज अ बिजनेसमैन, इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द हाउस वाइफ विच हैज ओनली 1 चाइल्ड रजत, ठीक है। तो साक्षी बिजनेसमैन है और वो जो है सिस्टर इन लॉ है,
ठीक है, सिस्टर इन लॉ है, तो रानी जो है, रानी का जो हस्बैंड होगा उसकी बहन होगी साक्षी, ठीक है, तभी सिस्टर इन लॉ कहलाएगी वो साक्षी जो है। और साक्षी का ऑक्यूपेशन क्या, साक्षी का जेंडर क्या होगा दोस्तों, माइनस एंड फीमेल होगी क्योंकि, और ये बिजनेसमैन है, ठीक है, क्या करती है, ये बिजनेस करती है, ठीक है। अब साक्षी जो सिस्टर इन लॉ है, तो इस चार्ट को मैं कहूंगा दोस्तों, इस चार्ट को इस चार्ट में पुट करने की ट्राई कीजिए। तो अगर हम पुट करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा साक्षी यहां पे आएगी, ठीक है, साक्षी यहां पे आएगी और रानी कहां पे आएगी, यहां पे आएगी, ठीक है। तो रानी का जेंडर क्या है, माइनस फीमेल है, और यहां का जेंडर क्या होगा, प्लस मेल हो जाएगा। तो रानी का जो हस्बैंड होगा उसकी बहन कौन होगी, साक्षी होगी। साक्षी का ऑक्यूपेशन है दोस्तों बिजनेस, ठीक है। अब यह भी बोला जा रहा है कि रानी का एक ही चाइल्ड है, एक ही बेटा है या तो बेटी है, ठीक है, उसका नाम क्या है, रजत है, ठीक है, तो रजत हो गया, फाइन। आप देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, देखिए क्या है हमारे पास, इंजीनियर इज द नीस ऑफ अंशुल। अब ये इन्फॉर्मेशन को देखिएगा, इंजीनियर इज द नीस ऑफ अंशुल हु इज अ लॉयर, ठीक है। तो इंजीनियर जो है वो नीस है अंशुल का, ठीक है। अब बताइएगा अंशुल का पोजीशन कहाँ पे हो, अंशुल बताइएगा फर्स्ट जनरेशन में कभी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अंशुल जो है वो मेल है, ठीक है। अंशुल तो यहां पे हो सकता है या तो यहां पे हो सकता है। अब अगर अंशुल को हम लोग यहां पे डालते हैं दोस्तों, इस पोजीशन पे अगर अंशुल का ऑक्यूपेशन पुलिस लेते हैं, तो बताइएगा, तो तब बताइएगा कि ये जो है कहां गया, लॉयर, ओके, इंजीनियर जो है, इंजीनियर जो होगा वो अंशुल का नीस है, तो मतलब अंशुल यहां पे हो जाएगा, सॉरी इंजीनियर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक केस तो और बनता है कि अंशुल यहां पे भी हो सकता है दोस्तों। अब अंशुल यहां पे होगा तो इंजीनियर ये दोनों में से कोई होगा, तो मान लेते हैं इंजीनियर ये हुआ, ठीक है, इंजीनियर ये हुआ। अब इंजीनियर ये हुआ तो देखिएगा आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट हैज ओनली वन कजन एंड इज द आर्किटेक्ट। अब स्टूडेंट का एक ही कजन है, ठीक है, तो स्टूडेंट या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, स्टूडेंट या तो यहां पे होगा, ठीक है, या फिर स्टूडेंट यहां हो सकता है, चलिए ठीक है। अब चलिए, अब क्या बोला, राहुल इज द डॉक्टर एंड इज द, इसका तो यूज कर लिया मैंने इन्फॉर्मेशन को, रानी इज द मदर ऑफ रजत, ये भी इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज कर लिया, रानी इज द मदर ऑफ रजत, ठीक है। द पुलिस मैन इज द सन इन लॉ ऑफ द डॉक्टर, इसको भी हम लोगों ने यूज कर लिया। द बिजनेस मैन हैज टू डॉटर, अब देखिएगा बिजनेस मैन का दो डॉटर है, तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये डॉटर दोनों डॉटर ही होंगे बिजनेस मैन, साक्षी की दो बेटियां हैं, ठीक है, साक्षी की कितनी बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, ठीक है, एक ये डॉटर और एक ये डॉटर। चलिए, रंजना इज एन इंजीनियर, अब रंजना इंजीनियर है तो रंजना का पोजिशन तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों, रंजना। चलिए, सानी इज अ नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, सानी इज द नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली बोला जा रहा है, तो मतलब सानी का ऑक्यूपेशन क्या होगा दोस्तों, सानी तो स्टूडेंट होगी तब, ठीक है, सानी का क्या ऑक्यूपेशन होगा, सानी स्टूडेंट होगी, ठीक है। चलिए, रानी एंड सारा आर द हाउसवाइफ, रानी एंड सारा आर द हाउसवाइफ, तो रानी तो यहां पे हाउसवाइफ है ही, एक और हाउसवाइफ कहां पे दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में, तो इसका नेम क्या हो जाएगा दोस्तों, सारा हो जाएगा। ऑफ द मेंबर एंड वन एंड नेम ऑफ, यहां से देखिएगा, नेम ऑफ वन मेंबर, वन मोर मेंबर ऑफ द फैमिली इज अंशुमन, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, अंशुमन हो जाएगा। अब बताइएगा अंशुमन जो है वो यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अब कहां पे अंशुमन आएगा, तो अंशुमन जो है दोस्तों, ओके, अंशुमन तो यहां पे आएगा नहीं, अंशुमन तो यहां पे आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि सानी जो है नन अर्निंग में, सानी का ऑक्यूपेशन क्या है दोस्तों, स्टूडेंट है, तो अब सानी का ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है दोस्तों, तो सानी यहां पे आएगी, ठीक है, और अंशुमन कहां पे होगा, यहां पे होगा अंशुमन, और अंशुमन का ऑक्यूपेशन क्या है, वो पुलिस में, ठीक है। अब बताइएगा सानी तो स्टूडेंट है, तो रजत तो स्टूडेंट हो नहीं सकता, तो यहां पे आएगा नहीं स्टूडेंट, तो रजत का ऑक्यूपेशन क्या होगा दोस्तों, आर्किटेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए,